हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ अलग से वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ये हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन, और ये बारबेक्यू नेशन रांची में है, लालपुर से थोड़ी आगे है। तो ये हमारी बारबेक्यू नेशन आ गई है। तो यहाँ आने के लिए आपको पहले से इसकी बुकिंग करनी होती है, इसका स्लॉट बुक करना होता है। तो अगर आपको इवनिंग में जाना है तो आपको मॉर्निंग में इसे बुक करना पड़ेगा, तभी आपको इस टेबल मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी, अवेलेबल टेबल नहीं होती है, फुल बुक रहती है। तो ये हमने 4 बजे का इवनिंग में टेबल बुक किया था, तो ये हमारी टेबल मिल चुकी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैठते हैं, वैसे ही कोई वेटर आते हैं और फिर ऑर्डर लेते हैं नॉन वेज या वेज का। तो हमने यहाँ पे नॉन वेज का ऑर्डर लिया है। तो ये हमारी नॉन वेज की सारी चीज़ें आ चुकी है। नॉन वेज में यहाँ पे आता है ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश भी आती है, और साथ ही साथ वेज की भी कुछ आइटम रहती है, पनीर रहती है, मशरूम रहती है। और यहाँ पे जो ग्रिल्ड चिकन वगैरह रहती है वो पहले से ही कुक्ड रहती है, 90% कुक रहती है। बस यहाँ पे गर्म रखने के लिए ये स्टिक में रहती है, ताकि ये गर्म गर्म सर्व की जाए। और यहाँ की सर्विसिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये लोग बीच बीच में आकर कुछ ना कुछ सर्व करते ही रहते हैं हमेशा, जैसे ग्रिल्ड चिकन वगैरह कुछ मतलब ऐसे लगाते ही रहते हैं स्टिक में, और क्रिस्पी कॉर्न यहाँ पे ऐसे ही सर्व होती है। और क्योंकि क्रिस्पी कॉर्न यहाँ की सिग्नेचर डिश है, तो मुझे क्रिस्पी कॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ हमारी टेबल पे आते ही जा रही है, और बीच बीच में ये लोग आते भी रहते हैं कि कुछ और भी चाहिए या नहीं, अगर कुछ चाहिए होता है तो वो लोग अवेलेबल करा देते हैं। अब यहाँ पे आई है ये मटन कीमा और ये ग्रिल्ड प्रॉन, जो कि टेस्ट में ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा टेस्टी वैसी नहीं थी। यहाँ की मुझे ग्रिल्ड पाइन एप्पल काफ़ी अच्छी लगी, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये सारे स्टार्टर में ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेज की कुछ आइटम है, तो हमारा स्टार्टर लगभग ख़त्म ही हो गया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि मेन कोर्स में नहीं जा करके हम डेजर्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें मेन कोर्स का खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए हमने पहले डेजर्ट ही ट्राई किया है। तो डेजर्ट में ये सारी चीज़ें होती है, आप देख सकते हैं आइसक्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम 2 फ्लेवर की आपको मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी और वेनेला की, और ये मूंग दाल की हलवा वगैरह भी है, और ये पेस्ट्रीज और गुलाब जामुन वगैरह है, और फ्रूट्स की भी आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगी, कस्टर्ड वगैरह है, सारा कुछ इसमें डेजर्ट में आपको मिल जाती है। तो आपको जो चाहे आप वो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डेजर्ट का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो बचा ही नहीं, बोलना पड़ेगा क्या, केक खत्म हो गया। बोलते हैं, रुको ना।
ये ले रबड़ी है। ये केक एक बचा। आया हुआ है? लंच में ले लेंगे। ये मैं खुशबू खाना खा रही है। ये देखिए खाना का प्लेट। तो अब हम ट्राई करेंगे कुल्फी। यहाँ की कुल्फी सुनने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो ये सारे वेरिएंट रहते हैं कुल्फी के, केसर पिस्ता कुल्फी, स्ट्रॉबेरी कुल्फी, मैंगो कुल्फी, मलाई कुल्फी, पान कुल्फी तो यहाँ की फेमस है। तो ये मैंने पान कुल्फी ट्राई किया है और साथ ही साथ ये मैंने स्ट्रॉबेरी की ये फ्लेवर ली है। तो इस तरह से ये लोग डेकोरेट करके ये कुल्फी को देते हैं। तो अब हम मेन कोर्स भी ट्राई थोड़ा कर लेते हैं। आए हैं तो हम मेन कोर्स भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे मेन कोर्स में भी इसकी ऑप्शन रहती है। बिरयानी रहती है, नूडल्स रहती है, मंचूरियन रहती है, चिकन फिश सारा कुछ इसमें रहता है। और वेज आइटम में पनीर मशरूम वगैरह भी रहती है। तो सारा कुछ आपको इसमें मेन कोर्स में मिल जाएगी। तो ये हमने कुछ मेन कोर्स के भी आइटम ट्राई किए हैं जो कि अच्छी थी। तो ये हमारा बारबेक्यू नेशन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारा फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी बारबेक्यू नेशन जाकर ये डिशेस ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिशेस है।